हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। मनाली में बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके बाद यहां पर सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बीच प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साथ ही शिमला में मौसम विभाग ने 19 जनवरी से प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में लगातार पारा गिर रहा है, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। मनाली, शिमला, लाहौल स्पीति कई ऐसे जिले हैं जहां पर बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है। सैलानियों से फिलहाल मनाली गुलजार है, लेकिन कई जगह शून्य में तापमान पहुंच गया है। तो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। मनाली में बर्फबारी का दौर जारी है। बीते दिन हुई बर्फबारी यहाँ के पर्यटन। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। कारोबार संघ फसलों के लिए संजीवनी बनकर आई। दूसरा वीडियो आप देख पा रहे हैं, तीन तस्वीरें। दूसरा वीडियो लाहौल स्पीति का है। यहाँ पर भारी बर्फबारी के बीच प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। तीसरी तस्वीर शिमला की है, जहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला यहाँ पर भी जारी है। मौसम विभाग ने 19 जनवरी से प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। इधर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी जड़ दी। इसके अलावा उन्होंने विराट कोहली का एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और वो भारत के लिए सबसे कम वनडे खेलकर 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए शुभमन ने 149 गेंदों पर 208 रन बनाए। इस पारी में गिल ने 19 चौके मारे और न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की कमर तोड़ते हुए 9 शानदार छक्के भी जड़े, जिनमें 3 छक्के तो उन्होंने एक के बाद एक मारे और फिर तीसरा छक्का मारते ही उन्होंने 200 रनों के आंकड़े को छू लिया। 194 रनों पर खेल रहे शुभमन ने ये शॉट गेंदबाज के सिर के ऊपर से मारा और इस दोहरे शतक के साथ भारत के लिए डबल सेंचुरी बनाने वाले गिल पांचवे खिलाड़ी बन गए। साथ ही उन्होंने एक और रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। वो भारत के लिए वनडे इतिहास में सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले विराट कोहली और शिखर धवन को इस रिकॉर्ड तक पहुंचने में 24 पारियां लगी थी, लेकिन शुभमन गिल ने महज 19 पारियों में ये मुकाम हासिल कर लिया। हालांकि सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड पाकिस्तान के बल्लेबाज फकर जमा के नाम है, जिन्होंने शुभमन से एक पारी कम यानी 18 मैचों में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी का दौर जारी है। बीते दिन हुई बर्फबारी यहां के पर्यटन कारोबार संघ फसलों के लिए संजीवनी बनकर आई है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी का दौर जारी है, जिसकी वजह से पहाड़ से लेकर सड़क तक बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। पेड़ की टहनियों और पत्तियों पर बर्फ जम गई, जहां तक नजर दौड़ाएं सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मनाली शहर के आसपास के क्षेत्रों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने भी मनाली का रुख किया है। मनाली में बहुत मजा आ रहा है, जिसके बाद यहाँ के पर्यटन स्थल पर्यटकों से गुलजार हो गए हैं। हालांकि मनाली हमेशा से ही पर्यटकों की पसंदीदा जगह रही है,